जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 29 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर सरकार बना रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बता दिया है कि वही मुख्यमंत्री होंगे और इस हार की नैतिक जिम्मेदारी ले ली है जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हरियाणा में जरूर जीत मिली है लेकिन जम्मू कश्मीर में अपेक्षित परिणाम नहीं रहे हैं।